वेल हे यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आइस नोज और लिप्स को किस तरीके से ड्रॉ करें। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो आउटलाइन को ड्रॉ किया था उसको हमें अच्छे तरीके से इरेज कर लेना है। सिर्फ स्ट्रोक को डार्क करके आपको फिर उसको इरेज कर देना है, ताकि जो स्ट्रोक हैं वो हम शेडिंग में ही दे पाएँ, ना कि वो स्ट्रोक पहले से ही रहें। क्योंकि आइस में स्ट्रोक देने के लिए सिर्फ ऊपर ही स्ट्रोक देनी पड़ती है, नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्लैंक लाइट शेडिंग करनी पड़ती है। क्योंकि जो आइस है उसका अंदर से एक ऑरा दिखेगी, लाइक आइस उठी सी हुई है। तो चलिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए। सबसे पहले हमें पेंसिल को अच्छे तरीके से शार्प कर लेना है, क्योंकि हम शेडिंग कर रहे हैं वहाँ पर, तो पेंसिल की जो ब्लरिंग है वो नहीं दिखाई दे शेडिंग करते टाइम। क्योंकि जो हम पेंसिल को शार्प कर लेते हैं तो शेडिंग अच्छे तरीके से बन जाती है। और जहाँ जहाँ पर डार्क स्ट्रोक है सिर्फ हमें वहीं पर डार्क स्ट्रोक देनी है। और अभी मैं 2E पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और नोज की भी थोड़ी सी लाइनिंग बना लूँगा, क्योंकि हम नोज फेस थोड़ा सा तिरछे में है तो नोज बनानी पड़ेगी पहले। और आईब्रोज को भी मैंने 2E पेंसिल से ही ड्रॉ किया है। और देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि वहाँ पर गैप देना है ना कि स्ट्रोक, तो मैंने वैसा ही किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। और ये मैं ले रहा हूँ HB पेंसिल, क्योंकि थोड़ा बहुत फेस भी ड्रॉ करना पड़ेगा शेडिंग के साथ साथ। तो चलिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए। और अगर आपको इसमें भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर से बता देना, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में लाऊंगा तो उसमें अच्छे तरीके से और बता दें। और सेम हमें ठीक इस तरफ की आइस में भी करना है, जैसा कि मैंने राइट हैंड वाली आइस की तरफ की हुई है। तो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए। और जहाँ जहाँ पर वाइटनेस दिखाई दे रही है वहाँ पर हमें गैप दे देना है, क्योंकि अगर हमने उसके ऊपर भी शेडिंग कर दी तो इरेजर से वो अच्छे तरीके से इरेज नहीं होगा, तो वहाँ पर आप गैप छोड़ सकते हैं। और जहाँ पर सिर्फ स्ट्रोक देनी है, लगे कि हाँ यहाँ पर स्ट्रोक देनी है, वहीं पर देना है। और फोटो को रिफरेंस इमेज को एग्जॉर्ब करके ही देखना कि कहाँ पर कौन सी शेडिंग है। और थोड़े से आइस में हेयर्स भी रहते हैं, मतलब आईब्रो रहती है, तो वो भी ड्रॉ करनी पड़ती है। थोड़ी थोड़ी रहती है नीचे की तरफ, जो कि ये सेलिब्रिटी है तो इनकी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट कईयों की ज़्यादा भी होती है बड़ी बड़ी। और हम साथ ही साथ आईब्रोज को भी ड्रॉ करते जाएंगे। तो आईब्रोज में अभी मैं 2E पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अगर और डार्कनेस चाहिए पड़ेगी तो हम 4E पेंसिल का भी यूज़ कर लेंगे। और जो ये हेयर्स दिखाई दे रहे हैं आईब्रोज में, उसको भी हमें साथ ही साथ देते जाना है। और फिर हाईलाइट दिखाई देगी तो वो हम इरेजर से हाईलाइट कर देंगे, ताकि हमारी आईब्रोज भी बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगे। तो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए। बारी आती है नोज की। तो नोज में जो अंदर का पार्ट रहता है वो काफी डार्क रहता है, और वहां पर आप फोटो में एब्जॉर्ब करके देखना कि थोड़ा बहुत लाइटनेस भी दिखाई देगी, जैसा कि इस इमेज में दिखाई दे रही है। तो मैं जहां पर यहां डार्कनेस है वहां पर थोड़ा सा प्रेशर लगा के अप्लाई कर रहा हूं, और जहां पर थोड़ी सी लाइटनेस है वहां पर थोड़ा कम प्रेशर लगा के अप्लाई कर रहा हूं। और पेंसिल को आप अच्छे तरीके से शार्प कर लेना, ताकि अच्छी तरीके से शेडिंग आए और ब्लर भी ना हो, और पेज पर भी बिल्कुल ही फिंगर्स ना लगें। आप शायद पेज भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं रखा, क्योंकि मुझे भूल गया था कि मैं पेज रखना भी है, तो आप लोग रख सकते हैं पेज। और थोड़ी सी हम नोज की आउटलाइन भी दे देंगे HB पेंसिल से, लाइक शेडिंग टाइप की, ताकि हम जो ब्लेंड करें तो उसमें अच्छे तरीके से शेडिंग ही लगे, ना कि वो स्ट्रोक दिखाई दे। और इस नोज में थोड़ी सी मुड़ी हुई सी लग रही थी नोज, जो स्ट्रोक आ रही थी, तो मैंने वो भी ड्रॉ कर दिया है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि रेफरेंस इमेज की मदद से ही आपको एब्जॉर्ब करके देखना है कि कहाँ पर कौन सी शेडिंग है, और जहाँ पर हाईलाइट दिखाई देती है वहाँ पर आपको गैप दे देना है, या फिर आप थोड़ी सी उस पर हाईलाइट भी कर सकते हैं, बट आप गैप ही दें उतना वही बढ़िया रहता है, क्योंकि फिर हम उसके ऊपर इरेजर से हाईलाइट दे देंगे। तो हमारी नोज भी लगभग कंप्लीट हो ही चुकी है। तो अब हम जो शेडिंग है आइस के ऊपर की, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए पड़ेगा तो आप 2B या 4B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फेस है ज़्यादा डार्कनेस नहीं है, तो यहाँ पर 2B और 4B या 6B पेंसिल तक का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा डार्कनेस होगी, लाइक कोरियन तो काफ़ी गोरे होते हैं, साउथ अब मुझे नहीं आ रहा, तो जो ब्लैक रहते हैं वहाँ पर आपको 10B पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। लाइक आपको लेयर बाई लेयर ही जाना है, तो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए। और इतना कंप्लीट होने के बाद हम ब्लेंड कर देंगे, और ब्लेंड के लिए मैं ले रहा हूँ फ्लैट ब्रश को, आधा काट के उसको मैंने यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस भी दिखाई दे रही है, तो काफ़ी रियलिस्टिक सा स्केच बनता है।
और जो फ्लैट ब्रश है उससे भी हम थोड़ा बहुत, मतलब मेकअप ब्रश है उससे भी थोड़ा बहुत सेटिंग दे देंगे फेस में। तो ये आइज नोज और लिप्स की नहीं, फुल फेस की वीडियो है, बस बियर्ड ही नहीं बनाऊंगा मैं इसमें, बियर्ड का मैं अगला पार्ट लाऊंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखो जैसा कि मैंने कहा था कि वही हमें और ज़्यादा डार्कनेस चाहिए पड़ेगी, तो हम 8वीं या 6वीं पेंसिल का यूज़ कर लेंगे। तो ये मैं 6वीं पेंसिल का यूज़ करके आईब्रोज़ को और ज़्यादा डार्क कर दिया और फिर से मेकअप ब्रश से उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया। तो आपको ऐसा ही करते जाना है लेयर बाई लेयर। देखो और भी ज़्यादा डार्कनेस चाहिए पड़ी तो मैंने और ज़्यादा बड़ी पेंसिल का यूज़ किया है, ये 8वीं पेंसिल होगी, हाँ 8वीं पेंसिल है, तो इसका यूज़ किया। और अभी हम सिर्फ शेडिंग करते जाएंगे और ब्लेंडिंग करते जाएंगे, अभी हम कोई भी हाईलाइट नहीं देंगे, हाईलाइट हम बाद में देंगे। तो अब हम इरेजर से हाईलाइट दे रहे हैं, और ये इरेजर लाइक 30 रुपये की पड़ी थी मुझे ऑनलाइन में, वैसे तो 25 रुपये इसकी आती है डॉम्स की, तो आप वो भी ले सकते हैं अपने स्टेशनरी की शॉप से, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है। लाइक जो हमारी 400 रुपये इसकी वो आती है जो टोमो मोनो जीरो इरेजर, तो वो उसी का ही काम करती है, आपको बस उसको तिरछे तरीके से काट लेना है। वैसे मैं वीडियोस में उतना ज़्यादा अच्छे बोलता नहीं था, बट आप लोगों ने कहा है तो मैं बोल रहा हूँ और मैं समझा ही रहा हूँ। अगर आपको बोरिंग लगे तो अगले टाइम से नहीं करूँगा ये सब, बस आप कमेंट में बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी हम थोड़ी सी मुस्तैज बना लेंगे, क्योंकि हमें लिप्स भी बनाने हैं ना, तो लिप्स से पहले हमें थोड़ी बहुत मुस्तैज बनानी ही पड़ेगी। तो अभी मैं 2वी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मुस्तैज बनाने के लिए, और ज़्यादा डार्कनेस के लिए मैं वहाँ पर 6वी या 8वी पेंसिल का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए। और जो लिप्स हैं उसमें मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और ये HB पेंसिल काफ़ी बढ़िया है, लाइक ग्लिटर की पेंसिल है ये, ग्लिटर की, तो काफ़ी अच्छी लगी। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, नहीं मैं फुल डब्बा खरीद लेता इसका, बट कभी ना कभी तो मैं खरीदूंगा ही। तो चलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट चाहिए ना यार। और देखो जो लिप्स के बीच की लाइन होती है, हमें सिर्फ उसको ही डार्क करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी डार्क मत कर देना। लाइक पतली लाइनिंग हो तो हमें पेंसिल को अच्छे तरीके से शार्प करके बिल्कुल ध्यान से हमें उस आउटलाइन को अच्छे तरीके से डार्क करना है, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी फैली तो लिप्स हमारे अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं होंगे। और नीचे की तरफ जो लिप्स हैं उसमें थोड़ी सी स्ट्रोक और बीच में हाईलाइट थी, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ लाइनिंग ही की हुई है लिप्स में, तो आपको दिखाई दे रही होगी। तो चलिए मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते जाइए, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो आपको बोरिंग लगे। कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ इसमें हाईलाइट देनी है। तो हाईलाइट के लिए मैं इसी इरेजर का यूज कर रहा हूं, तो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं वो आप देखते जाइए। फाइनली हमारा स्केच कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, बट अभी मैं वो चैलेंज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ जो कि मुझे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है यार। भागवत जी बैठी हुई हैं हमारे गांव में, तो वहाँ पर भी मुझे जाना पड़ता है, तो काफ़ी कम आर्ट बना पाता हूँ। वैसे तो अभी मैंने 7 दिनों में बना ही नहीं पा रहा हूँ आर्टवर्क। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार।